छोटे जार में हम इसलिए शरबत को यानी पुदीने को ग्राइंड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और जरा भी इसमें दरदरापन नहीं रहेगा। तो 1 कप ये पुदीना है और ये आधी कटोरी चीनी डालेंगे, ये 1 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। और इसे ग्राइंड कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखें इस तरह से जग लेंगे, जग के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसको छन्नी से क्या होगा जो भी इसके रेसे होंगे, इसके कण होंगे या जो भी इसके टुकड़े होंगे पुदीने के, वो अच्छे से छन जाएंगे और पीने में जब आप इसको पियेंगे तो आपके मुंह में नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा स्मूथ शरबत बनकर ये तैयार होता है। ये देखें इसे हमने छान लिया है इस तरह से और इसमें डालेंगे हम 3 नींबू का रस इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें सोडा डालेंगे। आज हम लोग सोडा शरबत बना रहे हैं पुदीने का, आप किसी भी कंपनी का सोडा ले सकते हैं। देखें दूसरी बोतल भी डालेंगे, 2 बोतल डालेंगे हम सर्व करने लगे हैं। और ये देखिए इस तरह से शरबत सोडा शरबत बनकर तैयार है। नींबू का सोडा शरबत बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। गर्मी का मौसम है इस तरह से आप शरबत बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है इंसान इसे पीकर। और ये देखें नींबू सोडा शरबत बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप ट्राई इसे ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारा शरबत पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप फिर मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट रेसिपी लेकर।